खुशरू आपका स्वागत करती हुई है जी न्यूज में। एक बेटी को अपनी माँ को गिफ्ट देना था क्योंकि उनका बर्थडे आ गया था और बर्थडे पे उनको फ्रिज गिफ्ट करना था और उस दौरान वो शोरूम में पहुंचा पर शोरूम में जो पैसे लेके पहुंचा वो गड्डियों में नहीं थे, वो 35 kg थे। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है क्योंकि काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और लोग इस बच्चे की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और उनकी माँ के प्रति जो प्यार है इसका वो काफी अच्छे से दर्श रहा है, काफी अच्छे से लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। जोधपुर से हमारे सामने ये खबर आ रही है जहां पर राम सिंह नाम के एक 17 साल के एक लड़के ने अपनी मम्मी को गिफ्ट करने के लिए एक 12 साल की कड़ी मेहनत को तोड़ दिया। यानी कि आप लोगों को पता है कि छोटे छोटे बच्चों को हम लोग आदत डालते हैं, क्या करने की हम आदत डालते हैं, सेविंग। अगर वो लोग सेविंग करते हैं तो आगे की लाइफ में जाके आपके लिए पिगी बैंक बन जाता है आपका बड़ा बैंक, या तो स्टेट बैंक या तो कॉर्पोरेशन बैंक या मतलब बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है, आप वहां पर अपनी सेविंग्स करते हैं। पर छोटे बच्चे होते हैं तो उनका पिगी बैंक रहता है तो उसमें वो काफी सारा सेविंग करते हैं। तो यहाँ पर भी एक्चुअली राम सिंह 12 साल से सेविंग कर रहा था और वो सेविंग करते करते अचानक से उसको पता चला कि उसकी मम्मी जो मतलब की काफी ज्यादा हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलती रहती कि उनको अगर उनके घर में फ्रिज हो तो अच्छा हो, उनके घर में फ्रिज हो तो अच्छा हो, ये सब चीजें बोलती रहती थी। पर वो कभी भी उतना योग्य नहीं बन पाया था कि वो अपनी मम्मी की ये ख्वाहिश पूरी कर पाए। तो आखिरकार उसने सोच लिया कि वो अपना पिगी बैंक तोड़ देगा और उसके बाद वो शोरूम जाएगा और वो शोरूम जाके फ्रिज लेके आ जाएगा। और उसने पहले शोरूम के मालिक को फोन किया और फोन करने के बाद उसने बोला कि मैं फ्रिज लेने के लिए आ रहा हूं और उस दौरान अपना मतलब कि 35 kg वो चिल्लर लेके गया और वहां पर जाके उसने जब टेबल पे रखा तब लोग हैरान हो गए कि ये कैसा है कि कोई अगर पैसे देना चाहता तो इस कदर कैसे पैसे देगा, ये तो सरासर बेइज्जती है। कभी कभार लोग कुछ गलत सोच लेते हैं। पर राम सिंह ने जिस तरीके से वहां पर शोरूम के मालिक को समझाया तो शोरूम मालिक वाला ही उसको सब चीजें दिखा रहा था, फ्रिज दिखा रहा था, सब चीजें दिखा रहा था और इसमें 5 रुपए के 2 रुपए के 1 रुपए के ऐसे सिक्के थे। और जब सिक्कों को गिना गया तब गिनने के बाद 13,500 ये पैसे बाहर निकले और जो फ्रिज था वो एक्चुअली 15,000 का था। और जो ये पैसे निकले तो उस वक्त राम सिंह काफी ज्यादा निराश हो गया। निराश होने के बाद बोलने लगा कि मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं जितने आपने गिने हैं, पर मेरी माँ का बर्थडे है और मुझे इस बार उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी करनी है। ये चीज देखते हुए शोरूम के मालिक ने उसको उसके 13,500 दिया और बाकी का जो पैसा था वो माफ कर दिया और भी एक गिफ्ट दिया। और उसने ये चीज खुद ही ट्विटर पर खुद ही शेयर की है कि उसके शोरूम में आया था एक इंसान, इस कदर से इतना ज्यादा प्यार करता था अपनी माँ के साथ, इस चीज को देख के मुझे फिर दोबारा से मेरी माँ याद आ गई। सच में यार ऐसी सब चीजें जब होती हैं तब मम्मी की याद बहुत ज्यादा आती है। क्या आपको भी आ रही है इस वक्त सुनते हुए कि आपने जब लास्ट गिफ्ट मम्मी को दिया था तब उनका फेस एक्सप्रेशन कैसा था, वो कितनी ज्यादा खुश थी? या आपने कभी दिया ही नहीं, अगर नहीं दिया तो दे दो तब देखना एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे, और दिया है तो याद जरूर, अगर किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच न्यूज़।